जिस कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलती हैं और बंद होती हैं, क्या आप उस कमरे में रह पाओगे? आज का हॉन्टेड रिचुअल जिसका नाम है वेरोनिका रिचुअल। वेरोनिका, वेरोनिका, यहाँ पे कोई और है क्या? इस वक्त इस रूम में मेरे अलावा कोई है तो मुझे फील कराओ। आई डोंट नो, वीडियो के स्टार्टिंग में वो था। हेलो नील हर्ट्स, आज मैं बहुत दिन बाद हॉन्टेड रिचुअल करने जा रही हूँ एंड मुझे ना सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं ऐसे हॉन्टेड रिचुअल्स करने के लिए। बट मैं सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है ऐसे रिचुअल्स करने में, और मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करती हूँ कि कोई भी घर पे ऐसे रिचुअल्स ट्राई करे। प्लीज़ बिल्कुल मत करना। एंड शायद आपको पता नहीं है पर ऐसे हॉन्टेड रिचुअल्स करने से आप पोजेस्ड भी हो सकते हो, और अगर इन रिचुअल्स में आप जरा सी भी गलती करते हो देन ये स्पिरिट्स जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ती। बट गाइज, आप लोग इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हो तो इसीलिए आज आफ्टर मतलब बहुत दिन हो चुका है, 1.5 महीने बाद मैं फिर से ये हॉन्टेड रिचुअल करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हॉन्टेड रिचुअल जिसका नाम है वेरोनिका रिचुअल। गाइज, वेरोनिका बोल के एक बहुत ज्यादा फेमस मूवी भी है, और बोला जाता है ये मूवी इतना ज्यादा डरावना है कि मूवी थिएटर में ना 100 में से सिर्फ 2 लोग इस मूवी को पूरा देख पाते हैं, बाकी कोई नहीं देख पाता। ये इतना ज़्यादा डरावना मूवी है। बट आज मैं आपको 100% रियल फैक्ट्स बताने वाली हूँ, एंड मतलब ये कोई स्टोरी नहीं है, ये सच में फैक्ट्स है, एंड आप इसे गूगल में चेक भी कर सकते हो। ये है स्टेफिना गुरिटेज लजारो की रियल लाइफ स्टोरी जो मद्रिद में रहती थी। उस टाइम पे स्टेफिना का कॉलेज नया नया स्टार्ट हुआ था एंड बचपन से ना स्टेफिना काफी फिट हुआ करती थी। बट कॉलेज स्टार्ट होने के बाद से स्टेफिना का तबीयत अक्सर खराब रहने लगा। रात को वो कभी कभी अकेले हंसती थी, कभी कभी अकेले रोती थी। उन लोगों का घर का दीवार लकड़ी से बना हुआ था। स्टेफिना उसे अपने नाखूनों से नोचती रहती थी, और ऐसे नोचते नोचते स्टेफिना के सारे नेल्स गिर चुके थे। ये सारी चीजें देखने के बाद स्टेफिना के पेरेंट्स बहुत ज्यादा मतलब वरीड हो गए थे स्टेफिना की हेल्थ को लेकर, तो इसीलिए उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किए, बट कुछ भी नतीजा नहीं निकला। एक दिन स्टेफिना की मॉम उसकी रूम साफ कर रही थी, और रूम साफ करते करते स्टेफिना के रूम में उन्हें एक वीजा बोर्ड मिला, और वो देखते ही समझ गई कि स्टेफिना अपने रूम में ब्लैक मैजिक मतलब काला जादू प्रैक्टिस करती है। और तो और स्टेफिना के रूम में बहुत सारे काला जादू करने के सामान, बहुत सारी ब्लैक मैजिक की किताबें और भी कई सारी ऐसी चीजें मिली जिससे साफ पता चल था कि स्टेफिना आत्माओं को बुलाती है और आत्माओं से बातें करने की कोशिश करती है। ये सब देखने के बाद स्टेफिना की मम्मी जब स्टेफिना से पूछती है कि ये सब क्या है, तब स्टेफिना उन्हें बताती है कि हाँ, वो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करती है, और हर रोज रात को उसके रूम में बहुत सारे स्पिरिट्स आते हैं जो बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं दिखते हैं। उनके पास कोई बॉडी या फिर शरीर नहीं होता, वो बिल्कुल एक काला साया की तरह दिखते हैं। स्टेफिना की मम्मी पापा को लगा कि उसको शायद कोई दिमागी बीमारी है, तो उसकी मेंटल इलाज करवाने के लिए भी उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया, बट इससे भी कुछ ठीक नहीं हुआ। इसके कुछ ही दिन बाद 13th जुलाई 1991 में स्टेफिना अचानक बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई थी, और वो अपने बहन पे एग्रेसिव होके अटैक कर दिया था। जैसे तैसे उसकी बहन अपनी जान बचाई, और नेक्स्ट दिन ही स्टेफिना को अजीब से दौरे पड़ रहे थे और वो कोमा में चली गई। इसके बाद स्टेफिना को बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एडमिट किया गया। बहुत सारे डॉक्टर्स ने ढूंढने की कोशिश करी कि उसके अंदर कौन सी बीमारी है, पर कोई भी सलूशन मिला ही नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बाद स्टेफिना की हॉस्पिटल में ही डेथ हो गई। स्टेफिना की मौत किस बीमारी के वजह से हुई थी वो आज तक एक मिस्ट्री है। उसके मौत के बाद भी हर रोज रात को उसके कमरे से अजीब अजीब चीखें सुनाई देती थी। आप खुद सोचो, एक ऐसा कमरा जहाँ पे रात को अजीब चीखों की आवाजें सुनाई देती है, जिस कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलती हैं और बंद होती हैं, जिस कमरे में अक्सर रात को कांच की चीजें
टूट के बिखर जाती है। क्या आप उस कमरे में रह पाओगे? नहीं ना, स्टेफिना के कमरे में कोई भी नहीं रहता था, फिर भी हर रोज ये सारी चीजें होती थी। ये सब चीजों के वजह से स्टेफिना के मम्मी पापा को ऐसा लगता था कि आज भी स्टेफिना की आत्मा उसके कमरे में रहती है और उसी की आत्मा ये सब चीजें करती है। पर कुछ दिन बाद स्टेफिना के कमरे में उसी की पिक्चर में अपने आप आग लग जाती है और उस आग से सिर्फ और सिर्फ स्टेफिना का चेहरा ही जल जाता है। और ये चीज स्टेफिना के पेरेंट्स के आंखों के सामने हुआ। उस तस्वीर में लगी आग को किसी ने नहीं बुझाया था, फिर भी वो पूरा तस्वीर जला ही नहीं, सिर्फ स्टेफिना का चेहरा जल गया था। और अभी मैं आपको जो पिक्चर दिखा रही हूँ ये रियल स्टेफिना का ही पिक्चर है। इसके कुछ दिन बाद ही स्टेफिना के मम्मी के साथ भी बहुत ही ज्यादा अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी और तभी से उन लोगों को पता चल गया कि स्टेफिना या फिर स्टेफिना की आत्मा अपनी मम्मी के साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। स्टेफिना की मम्मी पापा को फिर भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया। और पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद स्टेफिना के कॉलेज के कुछ टीचर्स से उनको पता चला कि स्टेफिना कॉलेज में ऐसा क्या करती थी जिसके वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ था। कॉलेज में स्टेफिना की एक बहुत ही अच्छी दोस्त हुआ करती थी और उस दोस्त का बॉयफ्रेंड का कुछ ही दिन पहले एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गया था और उस दोस्त को पता था कि स्टेफिना ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस करती है, तो इसीलिए उसने स्टेफिना को बोला कैसे भी करके उसके बॉयफ्रेंड की आत्मा के साथ उसे कनेक्ट कराने के लिए। और स्टेफिना कॉलेज में ही वीजा बोर्ड के थ्रू उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसे कनेक्ट करा रही थी। तभी वो टीचर्स ने स्टेफिना को ये सब कुछ करते देख लिया और उन्होंने तुरंत आके वो वीजा बोर्ड तोड़ दिया। जब टीचर्स वो वीजा बोर्ड तोड़ रहे थे तब उस वीजा बोर्ड से कोई एनर्जी निकल के स्टेफिना के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। उस टाइम पे इस चीज को किसी ने सीरियसली नहीं लिया था, पर जब बहुत मिस्टीरियस वे में स्टेफिना की मौत हो गई और पुलिस भी छानबीन करने लगी, तभी उन टीचर्स ने आके ये सारी चीजें स्टेफिना की पेरेंट्स को बताया। और ये बात तो आप सुन के हैरान हो जाओगे कि एक दिन जब पुलिस छानबीन करने के लिए स्टेफिना के रूम में गई, पुलिस के आंखों के सामने स्टेफिना के रूम में मौजूद एक जीसस की पिक्चर अपने आप उल्टा घूम गई। और ये चीज सिर्फ मूवी की सीन नहीं है, ये एक्चुअल में पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया था। उस रूम में स्टेफिना का छोटा भाई भी था और उसी टाइम वो पुलिस के सामने ही हवा में लेविटेट कर रहा था। और आज तक स्टेफिना की ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है। पर आप सोच रहे होंगे कि इस चैलेंज का नाम वेरोनिका चैलेंज क्यों है? जब ब्लैक मैजिक के थ्रू स्टेफिना बहुत सारी आत्माओं से कनेक्ट करती थी तब वो उन आत्माओं को बोलती थी उसका नाम वेरोनिका है और इसीलिए इस चैलेंज का नाम भी वेरोनिका रिचुअल है। तो ये चैलेंज करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक मिरर, कोई भी मिरर हो सकता है, आपके रूम का या बाथरूम का मिरर भी चलेगा, बट मैं आपको बोल रही हूँ कभी भी घर में ये वाला चैलेंज ट्राई ही मत करो। नेक्स्ट हमें चाहिए एक कैंडल, मैच बॉक्स और कोई भी चीज जिसमें आप टाइम देख सको। एंड ऑलरेडी अभी देर बज चुका है, देख ही सकते हो आप, तो मैं अभी ये चैलेंज स्टार्ट करूंगी। तो सबसे पहले मुझे ये पूरा रूम बिल्कुल डार्क करना पड़ेगा, एक भी लाइट ऑन नहीं रहना चाहिए। सो गाइज, मैंने कैंडल भी ऑन कर लिया है एंड आप देख ही सकते हो मैंने कैमरा भी पीछे स्टैंड पे लगा दिया है क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली हूँ इस रूम में। और ये जो चैलेंज है वेरोनिका चैलेंज, ये आपको रात की वक्त अकेले ही करना पड़ेगा। और इतनी रात को ना कैंडल जला के आप मिरर में खुद का चेहरा भी देखोगे ना आपको फिर भी डर लग जाता है। जल्दी जल्दी मुझे ये चैलेंज ख़त्म करना है। पहले आपको रूल्स बता देती हूँ गाइस, आपको मिरर में देख के 9 times वेरोनिका बोलना है एंड वेरोनिका को समन करना है। और बोला जाता है अगर आप 9 times वेरोनिका बोलते हो, बातें नहीं किया जा रहा है यार, डर लग रहा है इतना, देन आपके आसपास में कुछ मूवमेंट्स होती है या फिर कुछ ऐसी चीज़ होगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके आसपास कुछ तो पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ महसूस हो बीच में या चैलेंज करने के बाद में,
तो तुरंत लाइट्स ऑन करना है और चैलेंज को बंद कर देना है, यही वेबसाइट में लिखा गया है, तो मैं भी यही मान रही हूँ। एंड ये चैलेंज आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली करना है, मतलब जो स्पिरिट है उसको किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। यार मेरे तो चैलेंज करने की स्टार्टिंग अभी स्टार्टिंग नहीं किया मैंने, मेरे को गूज़बम्प्स आ रहे गाइस, आई स्वेयर। ओके स्टार्ट करते हैं चैलेंज। वेरोनिका। गाइस मैंने 9 times वेरोनिका बोला है, अभी तक मुझे कुछ फील तो नहीं हो रहा है। और थोड़ा ये जो हिल रहा है ना, ये लाइट कैंडल का, वो मेरे एसी की वजह से हिल रहा है, क्योंकि मेरे रूम में भी एसी ऑन है, बहुत ज़्यादा गर्मी था इसलिए मैंने ऑन रखा है। आई डोंट नो, कुछ वैसा मूवमेंट या फिर कुछ भी वैसा फील तो मुझे हुआ नहीं, शायद मैं डर रही हूँ, गूज़बम्प्स आ रहे हैं, इसीलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा लग रहा है। मतलब एसी चल रहा है, थोड़ा तो ठंडा है ही, थोड़ा ज़्यादा चिल्ड फील हो रहा है, बट आई डोंट थिंक कि कुछ और मुझे दिखा या फिर मूवमेंट हुआ, आई डोंट नो गाइज। बट चलो फिर से ये वाला चैलेंज करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं 9 times वेरोनिका को बुलाने का। वेरोनिका। गाइज आई डोंट नो, मैं जब भी वेरोनिका बोलती हूँ ये वाला जो कैंडल है ना बहुत ज़्यादा ही हिलता है, मैं बाकी बातचीत करती हूँ तब भी उतना हिलता नहीं है। आप देखो मैं अभी भी बातें कर रही हूँ बट फिर भी ये कैंडल उतना हिल नहीं रहा है, जो लाइट है, जब भी वेरोनिका बोलती हूँ थोड़ा ज़्यादा तो हिलता है, बट कुछ ऐसा ऑब्वियस सा नहीं लगा। वहाँ पे थोड़ा डर गई थी मैं, बट वो मेरा ही खुद का वो है, क्या बोलते उसको यार, मेरे को बातें नहीं किया जा रहा, वो मेरा ही साया है गाइस, वही देख के मुझे डर लग गया था एक बार, बट कुछ भी वैसा हुआ नहीं जिससे मुझे एविडेंट हो जाए, मतलब एकदम लगे कि कुछ मैंने फील किया है। ओके मैं फिर से ट्राई करूँगी। वेरोनिका अगर तुम यहाँ पे हो प्लीज़ मुझे फील कराओ। वेरोनिका अगर तुम यहाँ पे हो प्लीज़ मुझे फील कराओ। गाइज आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, कुछ भी मुझे दिख तो नहीं रहा। वैसे सच बताऊँ तो मुझे अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं, सारे रोंगटे खड़े हो गए हैं, बट कुछ वैसा दिखा तो नहीं जिससे एविडेंट हो जाए कि यहाँ पे कोई और है। क्या इस वक्त इस रूम में मेरे अलावा कोई है तो मुझे फील कराओ। गाइज यहाँ पे एक ना छोटी सी चींटी है, ये देख के मुझे डर लग गया, आई स्वेयर, बट ये चींटी है गाइज। मैंने सोचा कुछ तो यहाँ पे हिल रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग गया था। आई डोंट नो आपको कैमरा में अच्छे से दिखेगा या नहीं, मैं कोशिश करूँगी दिखाने का। यहाँ पे देखो एक चीटी है, आई डोंट नो वीडियो के स्टार्टिंग में वो था। बाप रे हाथ में यार गिर गया, आप देखो कैसे ये गिर चुका है, मतलब देख रहे हो कितना ज़्यादा ये गिर गया, ये देखो ऐसे खुल के निकल रहा है, मतलब पूरा ऐसे गिर गया था गाइस। आई डोंट थिंक गाइस ये पैरानॉर्मल कुछ था, क्योंकि ये तो मोम है ना, ये कभी भी गिल मतलब ये कभी भी मेल्ट होके गिर सकता है। आई डोंट थिंक ये पैरानॉर्मल है, बट अभी इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है, हो सकता है कि मैं ज़्यादा डरपोक हूँ इसलिए लग रहा है, बट अभी मैं ये वाला चैलेंज यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ, तो लाइट्स ऑन कर देते यार। सो गाइस लाइट्स मैंने ऑन कर दिया है, एंड आज का चैलेंज इतना ही रखते हैं। अभी देखो मेरे ये जो उंगली है ना, इस पर अभी भी मोम, मतलब इतना सारा मोम गिर गया था ना,
अभी भी यहाँ पे मोम गिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है, तो मैं जल्दी से ये वाला चैलेंज ख़त्म करती हूँ। मुझे नहीं पता गाइज, मैंने तो कुछ वैसा नोटिस किया नहीं। अगर आपने कुछ नोटिस किया है या फिर वीडियो में आपको कुछ दिखता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है ये वाला रिचुअल करने से, मतलब अभी इसी वक्त मेरे रूम में मेरे साथ कोई था या नहीं। और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है प्लीज़ गाइज इसको एक लाइक तो कर ही देना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ फिर भी आप लोगों के लिए ये वाला चैलेंजेस करती हूँ। तो आज के लिए गाइज वीडियो इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।